Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about monetary policy and the tools or instruments of monetary policy to control money supply. अब ये मनी सप्लाई क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, आई थिंक हम लोग ऑलरेडी उस चीज को पढ़ चुके हैं. इफ यू हैवंट चेक दैट वीडियो येट, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो और एक बार उसे देख लेना. अब शुरुआत करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के साथ कि ये क्या होता है. देखो, इट मीन्स द सेट ऑफ मेजर्स टेकन टू कंट्रोल अ नेशंस मनी सप्लाई. देखो, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि मनी सप्लाई क्या होता है. मनी सप्लाई क्या था कि पूरी इकोनॉमी में जितना भी मनी सर्कुलेट कर रहा है, कि सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो मनी सप्लाई था. अब वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट वट इफ कि वो पैसा बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बिल्कुल ही कम रह जाए. क्योंकि आपको पता होगा, जब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है. ठीक है, अगर बिल्कुल ही पैसा नहीं है, मेरे पास लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग खाएंगे पिएंगे क्या, डिमांड कहां से करेंगे, तो क्या होगा, डिफ्लेशन होगा. तो अब वो सिचुएशन को काबू में कैसे किया जाए, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. और दूसरा ये कि उसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू मनी, मौद्रिक नीति, आई थिंक इट इज कॉल्ड इन हिंदी मौद्रिक नीति, और इसको कौन रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई. ठीक है, तो हमने मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा था ना कि मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, और किस सोर्सेस से किस तरीके से वो रेगुलेट करता है, उस पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका जो मेंशन है या आरबीआई जो रेगुलेट करता है. किस कहां पे ये चीज मेंशन है, आरबीआई 1934 के अंदर. तो वहीं से ये चीजें जो उसके अंदर मैंडेट किया हुआ है आरबीआई को, वहीं से अथॉरिटी कितना प्राप्त है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर. तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसका काम क्या होता है, बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करना. इट कीप्स अ चेक ऑन लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. तो मेनली जो काम होता है वो इसका काम होता है, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना. उस मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है वो हम लोग अभी आगे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं. देखो, मैंने यहाँ क्लाउड्स के अंदर कुछ लिखा है, एमपी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी. अब ये दो चीजें क्या है, दीज टू आर द टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी एंड द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी. देखो, आप लोगों ने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक वर्ड बहुत बार सुना होगा. एक्सपेंशन मीन्स फैलाना बढ़ाना किसी चीज को. तो जब मनी सप्लाई ज्यादा हो, यानी कि जब मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाए, वो क्या होगा, एक्सपेंशनरी. यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से जब मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी पॉलिसी तो ये मनी सप्लाई का फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना. ठीक है, यानी कि जब मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. तो मनी सप्लाई के दो टाइप्स है, या तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए फिर उसे कम किया जाए. ठीक है, अब मनी सप्लाई को बढ़ाया कैसे जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करके. ठीक है, कैसे, वो हम देखते हैं. देखो, एक बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं. देखो, सबसे पहले आरबीआई को छोड़ो साइड में, एक बेसिक एग्जांपल के साथ देखो कि जो लोग हैं वो बैंक से लोन लेके आते हैं. ठीक है, अब बैंक उन्हें लोन दे रहा है, मान के चलो बैंक ने 8% पे हमको लोन दिया. ठीक है, तो अब हमारे पास लोन आया, पैसे आए, तो पैसे का मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो ज्यादा होगी. क्योंकि हम बढ़ते हैं ना कि जब डिमांड, जब पैसा ज्यादा हो लोगों के हाथ में, जब पैसा ज्यादा हो तभी तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं. अब अगर उनको चाहिए कि नहीं, मेरे को जितने के पास पैसा नहीं छोड़ने का है. ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा यार, वो तो डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो उन्होंने क्या किया, 8% को इंक्रीज करके 10% कर दिया मान के चलो. अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग क्या करेंगे, वो लोन को कम लेंगे. जब पैसा लोगों के हाथ में कम होगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, और जब लोग डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा. तो अब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट को, सिर्फ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और घटाया है, जिससे कि मनी सप्लाई क्या हो रही है, वो कम और ज्यादा हो रही है. तो अगर अब हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो हमें क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा. 8 को 5 कर दो, लोग यार इतना कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, फटाफट से ले लेते हैं, ठीक है कल को बढ़ जाएगा. ठीक है, तो अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, एक्सपेंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को कम, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो. ठीक है, तो ये था मनी सप्लाई के टाइप्स. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मनी सप्लाई का, देखो मेन ऑब्जेक्टिव, तो मेन गोल ऑफ मनी सप्लाई इज टू कंट्रोल, इज टू स्टेबल, इज टू स्टेबिलाइज प्राइस. और यू कुड से कि प्राइस स्टेबिलिटी इसका जो है वो मेन गोल होता है. ठीक है, अब वो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब अल्टीमेट क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना. बट साइड बाय साइड हमको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी ध्यान में रहे, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देना, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना, वो होता है मॉनिटरी पॉलिसी का मेन गोल. और इसी पर्पज के लिए बनाई गई है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो इस काम को करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक तो एक ही है ना बेचारा पूरे देश के अंदर, कमर्शियल बहुत सारे हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई और पीएनबी, पंजाब नेशनल, ये सब के सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कमर्शियल बैंक है. सेंट्रल बैंक तो एक ही है ना,
तो देखो इस काम के लिए उनका डिपार्टमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, जिसके अंदर अंतर्गत बनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है इन पॉलिसी रेट्स के ऊपर ध्यान देना, जो इंटरेस्ट रेट्स है उसका काम, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी करती है उस इंटरेस्ट रेट्स को बनाना। उस मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल होते हैं हमारे पास में 6 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें से 3 जो होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द आरबीआई और 3 होते हैं बाय द गवर्नमेंट, और हेड कौन होता है उसका, आरबीआई के गवर्नर। तो आरबीआई के गवर्नर कौन होते हैं, उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड होते हैं। तो आई होप कि आपको जो ये बेसिक एक ओवरव्यू था मॉनेटरी पॉलिसी का वो समझ में आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। चलो एक दो चीजें और बता देते हैं एडिशनल नॉलेज के लिए, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, उसको साल में 4 बार मीटिंग करनी होती है, अनिवार्य जिसको हम बोलते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, क्वार्टरली मीटिंग होती है और हर उसका जो कंक्लूजन होता है ना मीटिंग का, उसे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, सारे के सारे क्वार्टरली एमपीसी की जो रिपोर्ट होगी उसको पब्लिश किया जाता है, और साथ में आरबीआई के लिए भी उसको हर 6 महीने में आरबीआई को एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करनी पड़ती है, जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिश करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो ये मेंशन करता है, ये डिक्लेयर करता है, बताता है उस डॉक्यूमेंट में कि सोर्सेस क्या है इन्फ्लेशन के, कैसे हो रहा है इन्फ्लेशन के सोर्सेस क्या हैं, और दूसरी चीज क्या बताता है, फोरकास्ट करता है 6 to 8 months अहेड, यानी कि आगे आने वाले 6 to 18 months के लिए, आगे आने वाले 6 to 18 महीनों के लिए वो फोरकास्ट भी किया जाता है इन्फ्लेशन का। तो ये होती है आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जो हर 6 महीने में पब्लिश होती है, और एमपीसी की मीटिंग 4 बार यानी कि क्वार्टरली जो है वो एक मीटिंग होती है, और जो भी उसका कंक्लूजन होता है वो पब्लिश किया जाता है जनता के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिनके सहारे से उस मनी सप्लाई को कंट्रोल में किया जाता है, क्योंकि अभी तक हम यही पढ़ रहे थे ना कि जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, किन किन तरीकों से करती है वो देखते हैं। आई ट्राई कि मैं बहुत बेसिक और बहुत सिंपल लैंग्वेज में जल्दी से इनको खत्म कर दूं कि होती क्या है ये चीज। तो देखो सबसे पहली है हमारे पास में, पहली नहीं हम ना 3 एक साथ ध्यान देते हैं। देखो MSF, which is marginal standing facility, repo rate and bank rate, ठीक है। सबसे पहले 3 चीजों पे हम ध्यान देते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं वो क्या है हमारे पास। देखो जिस तरीके से जो कमर्शियल बैंक है वो लोगों को लोन देते हैं ना, उसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बेचारा कहाँ जाए, वो जाते हैं आरबीआई के पास, पापा जी आरबीआई के पास जाएंगे लोन लेने के लिए। तो जिस तरीके से पब्लिक कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, कमर्शियल बैंक लेते हैं आरबीआई से। अब हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है ना, उसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो आरबीआई भी उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। और जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई, उसी को हम लोग ये 3 कैटेगरीज में डालते हैं, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट और बैंक रेट। ये 3 चीजों के अंदर हम उसको यानी कि डिवाइड करते हैं। अभी तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखो, बहुत छोटा डिफरेंस है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बहुत अति लघु, नहीं अति अल्प, आई थिंक बोलते हैं इसको, अति अल्पकालीन बोलते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, कितना शॉर्ट, ओवरनाइट। अगर बैंक को ओवरनाइट लोन चाहिए, यानी कि उनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसकी, यानी कि क्राइसिस काइंड ऑफ लगा लो, उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ओवरनाइट लोन्स के लिए, तो वो कहाँ जाते हैं, तो अगेन आरबीआई के पास जाएंगे, तो वो होता है आपका एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद फिर इन दोनों में क्या फर्क है, ये वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। तीनों का काम है, ये लोन आ रहा है तो ये कितना ओवरनाइट के लिए, ये होगा आपका कितने के लिए, 1 to 15 days के लिए, और यू कैन से 1 to 15 days के लिए रेपो रेट होता है, और 2 to 14 days इक्वल से, और उसके अलावा उसके बाद आता है आपके पास में बैंक रेट। तो वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये लोन होते हैं आरबीआई के। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, बैंक रेट, तीनों का काम वही है। आरबीआई इन तीनों ही केसेस में बैंक को लोन देती है और साथ में इंटरेस्ट को चार्ज करती है, बट ये होता है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, ये फर्क है इन तीनों के अंदर। अब एक और फर्क जो हम बात करेंगे रेपो रेट और बैंक रेट के लिए, देखो जब हम बैंक से लोन लेते हैं ऐसा नहीं है ना बैंक हमें फ्री फंड का लोन दे रहा है, आओ आओ फ्री में बांट रहे, बस आओ पैसे लेके चलो, कॉलेट्रल दिया जाता है। अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हम कॉलेट्रल देंगे, उसी तरीके से जो रेपो रेट वाली सिचुएशन है उसमें भी बैंक को
कुछ सिक्योरिटीज जो है वो आरबीआई के पास रखनी पड़ती हैं एज अ कोलेटरल, ठीक है। और जो रेपो रेट है इसी को हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। रीपर्चेज रेट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैंक जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे तो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज देते हैं, ठीक है। अब एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज देते हैं, बाद में जब वो बैंक उसको रीपे करेंगे तो अपनी सिक्योरिटीज रीपर्चेज कर लेंगे, ठीक है, इसलिए हम इसको रीपर्चेज भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पास में रेपो रेट। बैंक रेट को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज डिस्काउंट रेट, किधर लिखूं, देखो ये हुआ हमारे पास क्या रीपर्चेज रेट, और बैंक रेट हमारे पास इसको और क्या हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट। और इसके अंदर ये कैसा लोन होता है, इट इज विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी कोलैटरल जो लोन होता है वो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है बट विद द कोलैटरल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। बैंक के पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, क्या मैंने लोन भी दे दिया, अभी कुछ हो नहीं रहा, लोन भी नहीं आ रहा, क्या करूं। अभी हम भी क्या करते हैं, घर के अंदर अगर पैसे फालतू पड़े रहे, चाहे 1000 रुपए पड़े, हम क्या यार बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बोझ आ रहा है मेरे ऊपर, 1000 रुपए क्या करूं, चलो बैंक में जमा कराते हैं, कुछ तो मिलेगा बदले में, ठीक है। तो वही अगर बैंक के पास लोन पैसे ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास ले जाएगा, आरबीआई यार मेरे पास पैसे ज्यादा हो रहे, तुम रख लो इस चीज को, ठीक है, तो मेरे पैसे को तुम रख लो। तो जब आरबीआई वहां पे रखेगा पैसे अपने पास में, अब जब हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक क्या करते हैं, हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक हम इंटरेस्ट देता है ना, तो आरबीआई भी बैंक को इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट क्या होता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट, उल्टा कर दो रेपो रेट को, यानी कि इस बार हम वहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं वहां से लोन लेने की जगह, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा हमारे पास में क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट खुला बाजार, ठीक है, ओपन खुला मार्केट बाजार, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन की हिंदी नहीं पता तो वही लगा लो लेन देन काइंड ऑफ, तो खुले बाजार में। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, देखो पहली बात ये दोनों के लिए होता है, पब्लिक के लिए भी और कमर्शियल बैंक्स के लिए भी। अब इस केस में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज यू कुड से ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये जो होती हैं सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की, उनका लेन देन, उनका सेल परचेज होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उनका लेन देन क्या करेंगे, देखो देखो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आरबीआई ने क्या करा, अगर आरबीआई को लगता है यार पैसा बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, मुझे कहते ना अभी ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो यार मेरे को वो पैसा ना वापस कम करने का है पब्लिक के पास से, तो आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू कर दिया कि आओ उनको खरीदो। अब लेट्स से कमर्शियल बैंक ने वहां से सिक्योरिटी खरीदे, ठीक है, ये रहा देखो कमर्शियल बैंक और ये रहा आरबीआई। कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे थे वो पैसे क्या हुआ, इधर चले गए आरबीआई के पास में। अब वो जो मनी है वो तो यहाँ चली गई, अब ये पब्लिक है, पैसा तो यहाँ चला गया ना, तो पब्लिक को क्या देगा, कुछ भी नहीं, भाई पैसा तो यहाँ खरीद लिया ना, सिक्योरिटीज खरीद ली, जब यहाँ सारा पैसा यहाँ चला गया, यहाँ देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो लोगों के पास जब पैसा ही नहीं पहुंचा तो क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगा क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब अगर उसके ऑपोजिट आरबीआई को लगता है कि जो पैसा है वो कम है, मतलब लोग जो है वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई को चाहिए नहीं है, जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो जो लोग हैं वो डिमांड करेंगे, तो अब वो क्या करेगा उस केस में, सिक्योरिटीज को परचेज कर लो वापस। तो आरबीआई ने क्या किया, सिक्योरिटीज को खरीद लिया, सिक्योरिटीज खरीदेगा तो पैसा यहाँ चला गया, और वो पैसा कहाँ चला जाएगा, अल्टीमेटली पब्लिक के पास में। इस तरीके से मनी सप्लाई जो है वो फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। अब और जो ये एमएसएफ रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, पहले हम बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों के केसेस में मनी सप्लाई, मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दे दिया था, फिर भी रिपीट करते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। देखो रेपो रेट है, अब देखो आरबीआई ने क्या किया, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसे लिए, पहले मान के चलो जो आरबीआई है वो 5% पे लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल पब्लिक को दे रहा था 8% पे लोन, ठीक है। अब हम इसका ऑपोजिट करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट में क्या करो, आरबीआई ने क्या किया, लोन बढ़ा के 8% कर दिया, ठीक है। दोबारा से सेम टू सेम चार्ट बनाना पड़ेगा, ये रहा आरबीआई, ये रहा कमर्शियल बैंक, ये रही कस्टमर जनता। आरबीआई यहाँ पे लोन दे रहा था 5% और ये इनको दे रहा था 8% पे, ठीक है। अब आरबीआई को हो रही है तकलीफ, यार पैसा बहुत है, क्या करूं उस पैसे का, ठीक है, तो इसने क्या करा, चलो एक काम करते हैं, लोन बढ़ा देते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अब जब कमर्शियल बैंक को ही 8% पे लोन मिल रहा है तो वो इनको 8 पे कैसे दे, उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लोन कर दिया
10% का पब्लिक के लिए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जो लोग हैं वो लोगों को कम लेंगे, जब लोग कम लेंगे तो इसका मतलब मनी सप्लाई जो है वो कम होगा इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई कम होगा तो ओवरऑल क्या होगा, इन्फ्लेशन भी काबू में आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर उस इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, अगर ये यहाँ 3 करेगा तो ये 5 कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा जो लोग है वो डिमांड को ज्यादा करेंगे, उससे मनी सप्लाई क्या होगा इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट के साथ वो खेलते हैं इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करना। तो इस केस में क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा MSF रेपो रेट बैंक रेट के अंदर, इंटरेस्ट रेट कम होने से मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल, और अगर क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट एक लाइक दे देना। नेक्स्ट इज LRR, आई थिंक हम लोगों ने अगर कुछ स्ट्राइक हो रहा हो तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है अबाउट LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है जब बैंक के पास में डिपॉजिट आता है, ठीक है, उस डिपॉजिट में से बैंक कंप्लीट अमाउंट को लोन पे नहीं दे सकते, ठीक है, उनको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, क्यों रखना पड़ता है, कोई ATM से पैसे निकालने चला जाए, बैंक में कोई विड्रॉ करने के लिए चला जाए, या फिर जो बैंक में कोई चेक लेके चला जाए, यार मुझे तो पैसे दो, ठीक है, तो बैंक कहाँ से पैसे देगा। ठीक है, तो बैंक को उसके लिए वो हमेशा, अगर उसके पास में 1000 रुपए का डिपॉजिट आ रहा है तो बैंक 1000 के 1000 एज अ लोन नहीं दे सकता, उनको कुछ अपने पास में एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, जो पर्सन डिसाइड करता है RBI, और उसी अमाउंट को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि एक रिजर्व रखना पड़ता है बैंक को। जैसे हमने पहले भी वीडियोस में 20% एग्जांपल लिया था, तो 1000 में से 20% रखा, ठीक है, जो 1000 रुपीज है उसका 20%, तो ये 20% क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास में LRR, और 800 रुपए वो एज अ लोन दे देगा। अभी उस LRR को ही हम क्या करेंगे, हम उस LRR को 2 टुकड़ों में विभाजित करेंगे, ठीक है, इसी को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दो, एक को हम बोलते हैं CRR और एक को बोलते हैं SLR, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR आई थिंक आई टोल्ड यू ऑलडियर कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है इसका प्रोनाउंसिएशन करने में, स्टैच्यू ट्री, आई थिंक वंस माई स्टूडेंट टोल्ड मी कि मैम इसको ऐसे बोला गया स्टैच्यू प्लस ट्री, तो मैं हमेशा इस तरीके से ट्राई करती हूँ बट इट्स स्टिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, स्टैच्यू ट्री whatever, तो लिक्विडिटी रेशियो और CRR कैश रिजर्व रेशियो। तो अब ये दो चीजें क्या होती है, देखो जितना रिजर्व रखा उसी का एक हिस्सा RBI को देना पड़ता है, उसी का एक हिस्सा RBI को देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं CRR, ठीक है, 20% जो हमने रिजर्व रख लिया उसी का एक पर्सन हमको क्या करना पड़ता है RBI के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं CRR। दूसरा जो हमें बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है, भाई ठीक है जितना रिजर्व रखा उसमें से एक हिस्सा उसको दे दिया बैंक को, कुछ पर्सन किसके पास रखना पड़ता है, खुद के पास रखना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं SLR। खुद के पास किस में रख सकते हैं, वो खुद के पास लिक्विड एसेट्स में, गोल्ड की फॉर्म में, तो वो बैंक को रखना पड़ता है खुद के पास में, वो होता है SLR, ठीक है। तो अब अगर बैंक को मनी सप्लाई को क्या करना है, इसके साथ में काबू करना है, तो वो क्या करेगा उसकी मनी सप्लाई को, ठीक है 800 रुपए लोन दे रहा था बैंक, क्या 20% को बढ़ा के 30% कर दो, 1000 में से 300 रुपए लोन, अब लोन के लिए कितना बचा 700 बचा, तो मनी सप्लाई कंट्रोल। उसके ऑपोजिट अगर बैंक को चाहिए यार मनी सप्लाई बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, पैसा दो लोगों को, लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, खुला छोड़ दो कोई बात, इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, तो वो क्या करेगा इस LRR को कम कर दो, 10% कर दो, 15% कर दो, तो लोगों के पास में पैसा ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास में, कौन कौन से, रेपो रेट बैंक रेट MSF, OMO, LRR, ये सारे के सारे हमारे होते हैं। अब कुछ चीजें ध्यान में देने के लिए इसी के अंदर, देखो एक है सबसे पहली बात रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मेन हेडिंग अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए तो हम एक और चीज बोलते हैं, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब यानी कि जो लिक्विडिटी को एडजस्ट करे, ठीक है, यानी कि इसको हम कब फॉलो करते हैं लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके अंदर आते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। अभी हमें आगे पढ़ने हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, आई हैव नो आइडिया, आई थिंक मुझे नहीं याद कि इफ आई टोल्ड यू अबाउट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मीनिंग, इफ आई हैडन टोल्ड यू येट, तो अभी एक बार देखो जल्दी से देखते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब, ठीक है, ये आप लोगों ने वैसे बहुत बार देखा होगा कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बस स्टिल क्वांटिटेटिव
क्वांटिटी को निकाल दो उसके अंदर से, यानी कि जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस चीज के ऊपर काम करते हैं, क्वांटिटी, वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ मनी। मेरे पास 500 है, 500 का 300 कर दो या 200 हो जाए, तो देखो 500 का 300 हो तो मेरी मनी सप्लाई बढ़ गई, 300 हो तो घट गई, यानी कि काम किस पे किया जा रहा है, मेरी क्वांटिटी पे, मेरे पैसों की वॉल्यूम पे, उसकी क्वांटिटी पे काम किया जा रहा है। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा क्वालिटेटिव, क्वालिटी, क्वालिटी पे काम किया जा रहा है, नॉट द क्वालिटी ऑफ द पेपर ऑफ द नोट, कि भाई किस क्वालिटी का नोट है, देखना जरा किस उसका पेपर बना हुआ है, ये कैसा पेपर है, वाली क्वालिटी नहीं। क्वालिटी मीन्स यू कैन से अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ठीक है। अब पैसे का इस्तेमाल करते हम बोलते हैं रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, कि ये तो हो कि रिसोर्स कहाँ पे, किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। सेम जैसे कि हम क्वालिटी बोले कि जो मनी है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर पैसों की जरूरत प्राइमरी सेक्टर में है तो क्या पैसा वहां पे अप्रोप्रिएटली यूज हो रहा है, वहां पे उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमें एमएसएमईज को ग्रो करना है, क्या पैसे का यूज वहां पे प्रॉपरली हो रहा है, तो वो होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, सॉरी क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, अलोकेशन ऑफ मनी किस तरीके से है, वो आता है क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर। और क्वांटिटेटिव में वॉल्यूम या फिर जो वॉल्यूम कह लो कि वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब देखो इसके अंदर जल्दी से देख के जल्दी से कदम करते हैं। पहला है क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग, राशनिंग हम घर में भी करते हैं ना, राशनिंग कि मंथली सैलरी आ गई तो इसमें से इतना कहते हैं ना, एक राशन के लिए लिया, घर में राशन आएगा, खाने पीने वाला राशन हो गया, इतना जो है वो बिजली वाले का बिल जाएगा, इतना पानी वाले का बिल जाएगा, उसी तरीके से हम घर में राशनिंग करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी क्रेडिट राशनिंग किया जाता है, यानी कि कोटा फिक्स किया जाता है कि प्राइमरी सेक्टर के लिए इतना लोन है, एमएसएमईज के लिए इतना लोन है, तो इस तरीके से कोटा फिक्स किया जाता है सेक्टर वाइज कि जो लोन है वो कहाँ कहाँ पे किस किसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा, वही होता है आपका क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। दूसरा हम आगे बढ़ाते हैं अभी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, देखो जब हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, अगर हम बैंक के पास में 1 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हैं, सॉरी अगर हम मुझे मेरे पास सिक्योरिटी है, कॉलेटरल रखना पड़ता है हमें बैंक के पास, तो मेरे उसकी जो वैल्यू है वो है 1 लाख, जो मुझे एज अ कॉलेटरल बैंक के पास में रखना है। अब क्या मुझे वो 1 लाख का ही लोन मिलेगा, उसकी मार्केट वैल्यू करंट में 1 लाख है, पर क्या मुझे वो जो लोन है वो 1 लाख का ही मिलेगा, ना। मुझे लोन लेसे मिल रहा है 80,000 का, 80,000 का, क्योंकि जितना कोलेटरल होता है उससे कम वैल्यू का लोन मिल रहा है, क्योंकि 1 लाख उसकी करंट मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, तो मुझे जो लोन मिल रहा है वो मिल रहा है 80,000 का। अब अगर बैंक वॉन्ट्स और आरबीआई वॉन्ट्स की मनी सप्लाई कंट्रोल में आए तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना है, लोगों के पास पैसा नहीं जाने देना, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, मार्जिन जो ये 20,000 का ये क्या है, ये वो मार्जिन है। अब बैंक क्या करेगा, मार्जिन बढ़ाएगा कि कम करेगा, उसके लिए देखो मार्जिन बढ़ाने का मतलब क्या है, इसको क्या करो इंक्रीज करके 30,000, यानी कि 70,000 लोन दे दो लोगों को, तो क्या हुआ मार्जिन को इंक्रीज कर दिया गया, इफ बैंक वॉन्ट टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और अगर मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो इस मार्जिन को क्या करो, कम कर दो, 10 कर दो इस मार्जिन को, तो लोगों को कितना लोन मिलेगा, लोगों को लोन मिलेगा 90,000 का, तो लोगों को लोन ज्यादा मिला, तो जो मार्जिन है वो मार्जिन को छोटा कर दो, कम कर दो, तो ये होता है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज मोरल सुएशन, आई थिंक आई एम करेक्ट विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सुएशन, इट्स मोरल सुएशन। ये क्या होता है, देखो इट्स अ इन्फ्लुएंशियल प्रोसीजर बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल प्रोसीजर मीन्स आप ये कह लो कि आरबीआई इसके अंदर एडवाइस करता है और ऑर्डर करता है और रिकमेंडेशन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, टू फॉलो द प्रोसीजर्स सेट बाय द आरबीआई अंडर द मॉनिटरी पॉलिसी, कि मॉनिटरी पॉलिसी में जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनके लिए इनको क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, सजेशन दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक को कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेगुलेशन है, प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आरबीआई का गवर्नर है, वो कमर्शियल बैंक को बोल रहा है एक चीज करने के लिए कि जो रेपो रेट में अगर रिड्यूस हुआ है रेपो रेट, तो उसका जो असर है वो पब्लिक तक नहीं जाना चाहिए, तो ये पॉलिसी में उन्होंने एक रूल बनाया कि उसका जो असर हुआ रेपो रेट तो वो पब्लिक तक नहीं जाना चाहिए, तो बैंक को वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो होता है आपका मोरल सुएशन, ठीक है। तो इन्फ्लुएंशियल है ये आरबीआई, इन्फ्लुएंशियल प्रोसीजर बाय द आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन।
डायरेक्ट एक्शन एक्शन ही ले लो सीधा सीधा कमर्शियल बैंक के ऊपर, यानी कि अगर जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता है तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के ऊपर एक डायरेक्ट एक्शन ले सकता है उनके उन ऑर्डर्स को, उनके उन पॉलिसीज को ना मानने के लिए। जो आरबीआई वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है अगेंस्ट किसके, कमर्शियल बैंक के अंदर, तो वो होता है डायरेक्ट एक्शन का मतलब। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ आई एम नॉट, अगर कुछ भी हो रही है, कुछ गड़बड़ है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एडिशनल बोल देते हैं बट कर भी दिया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।